आज के वीडियो में हम कॉपर का एनालिसिस करने वाले हैं। कॉपर के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल क्या रहने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने कॉपर का एनालिसिस किया था, उसके जो इंपॉर्टेंट लेवल बताए थे उस लेवल तक के कॉपर में हमें ट्रेडिंग होते हुए नजर आ रही है। और इसका एनालिसिस करने के लिए हम आ जाते हैं एंजल के एप्लीकेशन पे आते हैं और यहाँ पे इंस्टा ट्रेड के विंडो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें सामने इंस्टा ट्रेड की ट्रेडिंग विंडो ओपन हो जाती है और ट्रेडिंग विंडो में हम एनालिसिस करने वाले हैं कॉपर का। तो हम यहाँ पे कॉपर का चार्ट को यहाँ पे लगाएंगे और अगर आपको कॉपर का चार्ट ऐड करते नहीं आ रहा है तो आप फिर सेकंड का यूज़ करके आप यहाँ पे कॉपर को ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कॉपर को लगाया है, हम यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो चार्ट है ये कॉपर के चार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में जो वीडियो के माध्यम से आपको चार्ट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बताए थे, इसमें बताया था कि कॉपर का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये 772 का है आपको देखने को मिलेगा। और आपको देखने को मिल रहा है कि कॉपर में आज 772 के हाई भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल जिन्होंने भी हमारा वीडियो देखा होगा उन्होंने यहाँ पे शानदार बेनिफिट लिया होगा। जो इसका लेवल था 763, तो जो वहाँ से देखिए यहाँ पे कॉपर में 9 पॉइंट से ऊपर का हमें यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अब बात आती है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में या बचे हुए ट्रेडिंग सेशन में कॉपर का क्या व्यू रह सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि कॉपर इस समय अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे बना हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस कॉपर पार कर लेता है तो कॉपर में आने वाले समय में हमें 780 के अपसाइड के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि कॉपर हमें अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है, मतलब कि पहला तो इसके अंदर 775 और अगला इसमें 780 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पर अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, अगर कॉपर इसी को एक सपोर्ट के रूप में यूज़ करता है तो हमें अगला जो सपोर्ट देखने को मिलता है ये 770 या 764 का हमें अगला सपोर्ट इसमें देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट कॉपर ब्रेक करता है तो हमें 760 के प्राइस भी कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवल के हिसाब से आप कॉपर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम एमएसडी इंडिकेटर की बात करें तो एमएसडी इंडिकेटर में भी यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि कॉपर में हमें आने वाले समय में एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो इसके आधार पर हमें कॉपर को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रखना चाहिए। अगर मैं कॉपर में यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले समय में कॉपर में तेज़ी आ सकती है, तो इसके लिए मैं बाय ऑप्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं एक लॉट मेंशन करूँगा। एक लॉट में जो क्वांटिटीज आती है ये 2500 किलोग्राम्स क्वांटिटीज आती है कॉपर की। और जो इसका प्राइस है, अगर मैं इसमें वो लिमिट में ऑर्डर लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कॉपर को मैं 771 में बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं प्राइस को ऐड करूँगा, लिमिट ऑर्डर बाकायदा रहेगा और बाय ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, कन्फर्म ऑर्डर पर प्रेस करूँगा, मेरा ऑर्डर यहाँ पर सबमिट हो जाता है। जैसे मेरा यह ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो उस कंडीशन में जो मुझे P&L होने वाला है मुझे सेम विंडो पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं अगर अपनी पोजीशन को एनी टाइम मार्केट से एग्जिट करना चाहता हूँ या मैं अपना ऑर्डर को यहाँ से लगाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई है तो मैं सेल ऑप्शन का यूज़ करके अपने पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट करने के बारे में सोचूंगा। और अगर मैं अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो ऑर्डर ऑप्शन का यूज़ करके मैं अपने ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता हूँ या करंट मार्केट में अपनी पोजीशन को यहाँ से आप स्क्रॉल अप कर सकता हूँ। साइड में टूल बार तो आपको देखने को मिलता है, इस टूल बार का यूज़ करके मैं अलग अलग टूल्स को जैसे कि एमएसडी लाइन, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, वर्टिकल लाइन को लगा के मैं यहाँ से अपने चार्ट का एनालिसिस कर सकता हूँ। एफएक्स ऑप्शन का यूज़ करके मैं अलग अलग इंडिकेटर जैसे कि एमएसडी इंडिकेटर, आरएसआई इंडिकेटर, बोलिंजर बैंड इंडिकेटर, इन इंडिकेटर का यूज़ करके मैं अपने चार्ट को प्रेडिक्ट भी कर सकता हूँ। तो इतना ईजी इतना आसान होता है एंजल वन एप्लीकेशन में इंस्टा ट्रेड का यूज़ करना और यहाँ पर ट्रेडिंग करना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक के अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आज ही अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और यहाँ की शानदार सर्विसेज इंस्टा ट्रेड का लाभ लें। दोस्तों, अगर आप हमारे लिंक के माध्यम से अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन करते हैं तो आपको 1 ईयर का AMC चार्जेस बिल्कुल फ्री रहता है। तो आप देर ना कीजिए, आज ही आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन के साथ ओपन करें और यहाँ की शानदार सर्विस इंस्टा ट्रेड का लाभ लेके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और ज़्यादा ईजी आसान बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।